तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ फॉर्मूला के बारे में, और फॉर्मूला में हम बात करेंगे आपके साथ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। हमने इससे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में जाना था, आज हम आपके साथ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं ताकि आप देख सके। आज की क्लास मैंने YouTube पे लाइव टेलीकास्ट किया है। तो हम चलते हैं आज की फॉर्मूले की तरफ। जैसे हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बताया था कितने होते हैं। आपका होता है मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, और हमने पावर दिया था। ये सामान्य मैथमेटिकल ऑपरेटर। उसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है, जिसका यूज क्या होता है चलिए बताते हैं। चलिए एक कॉलम में मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर ग्रेटर लेस देन 50 है। तो मुझे जब पता करना है कि इसमें से कौन से नंबर लेस देन 50 है। अब इस काम के लिए बहुत सारे लोग इफ फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल करने लगते हैं, बट यहाँ पे इफ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कर सकते हैं सिंपल कि लेस देन इक्वल टू 50, तो आपने डायरेक्ट या लेस देन लगा दीजिए, लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए, आपने डायरेक्ट लगा दिया। जब एंटर प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे रिजल्ट आपके सामने आएगा, बस रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। जहां पे कंडीशन मैच करेगा वहां पे ट्रू, जहां पे कंडीशन मैच नहीं करेगा वहां पे फॉल्स आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसके लिए तो हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इसका फॉर्मूला क्या करता है कि इस ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करता है आपके डिग्री का रिजल्ट में, जैसे ओकेएल पेंडिंग में देना चाहता हूं। तो इसके फॉर्मूले को क्या चाहिए, B1 पे चाहिए ट्रू और फॉल्स। अगर B1 ट्रू हुआ तो ओके को शो करेगा, वैल्यू ट्रू शो करेगा, यहां पे फॉल्स हुआ तो वैल्यू ऑफ फॉल्स शो करेगा। लेकिन क्या है कि जनरली हम लोग जगह बचाने के लिए एक ही फॉर्मूला में कंडीशन लॉजिकल कंडीशन एंड रिजल्ट दोनों दे देते हैं। तो ये आपको बताने का पर्पस ये था कि जो हमने ग्रेटर देन लेस देन जो दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 जो दिया हुआ है, ये दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ये इंडिविजुअल है, हम इफ में क्लब कर रहे हैं, समझे। इसमें हम क्लब कर रहे हैं, इसको इंडिविजुअल भी किया जा सकता है। प्रवीण जी, गांधी जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ओके होना चाहिए। नहीं तो मैंने कंडीशन ग्रेटर देन लगा दिया है ना। ओके ओके, अब इसके बारे में समझ लेते हैं, इस क्या है या इसमें कोई भी फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। फॉर्मूला के इनिशियल वर्ड देखिए, इसमें आई लिखा, तो आई से रिलेटेड जितने भी है उसका एक ऑटो सॉल्यूशन आ गया। अब मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख के ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, या फिर आई यहाँ एरो की से ऊपर नीचे जा सकता हूँ, अपना फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकता हूँ और टैब की, अपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला कंप्लीट टाइप हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो जब फॉर्मूला आप लगाते थे, इसका ही फॉर्मूला लगाया, कोई फॉर्मूला लगाया, तो यहां पे इसके साइन टेक्स्ट होते हैं, जैसे लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। ओके सर,
अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, क्या देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि लॉजिकल टेस्ट जो है ये नॉर्मल है, बाकी जो वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स है एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिएगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, और स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड। बात समझे? तो अब हम इसको मान लीजिए कि लॉजिकल टेस्ट आपका रिक्वायर मतलब कि आपको डालना ही होगा, अगर इसको बिना डाले आप बैठे रहते हैं तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं किया एक्सेप्ट सर, आपको डालना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट डाल दिया, इसको ट्रू सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे वैल्यू फॉल्स एंड वैल्यू ट्रू डालने की जरूरत नहीं है, नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट जो रिजल्ट होता है वो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, और डाल देंगे तो आपके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा। देखिए डिफॉल्ट जीरो आया, और हम डाल देंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डाल दिया ओके, तो आपका ओके आएगा। तो सिर्फ इसमें ही नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले जैसे कि मान लीजिए कि वी लुकअप है, तो वी लुकअप में भी आपका लुकअप वैल्यू जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, और सेम कंडीशन बीवी में भी अप्लाई होती है, वहां भी स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। क्लियर है सर, विदाउट इसमें? नो सर। अब चलिए हम जो फॉर्मूला लगाने का तरीका, फॉर्मूले के साइंटिस्ट का तरीका, और क्या रिक्वायर है क्या ऑप्शनल, इसके बारे में जान चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हम डायरेक्ट अप्लाई ही कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्सेल ट्रू को वन मानता है और फॉल्स को जीरो मानता है। अब इसको साबित कैसे करेंगे, जैसे कि देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा और यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, अब इन दोनों को प्लस वन करूंगा, सॉरी इन दोनों का आपस में प्लस करूंगा तो रिजल्ट वन आएगा। अगर मैं दोनों ट्रू कर देता हूँ रिजल्ट ट्रू आ रहा है, इससे साबित होता है कि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा इसका इस्तेमाल हम एरे फॉर्मूला में बहुत करेंगे। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मैं यहां पे कुछ नेम लिखता हूं, अब मुझे इस नेम को शॉर्ट करना है, इसको सेलेक्ट किया होम में, शॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम शॉर्ट माय डेटा एज ए हेडर और नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इससे किया जिससे भी नेम है वो इकट्ठा हो जाए। अब मैं चाहता हूं सबके सीक्वेंस नंबर देना, मतलब कि यहाँ पे वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री फोर, इस तरह से। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल इफ कंडीशन देंगे, इफ अगर ए इक्वल है अपने ऊपर वाले, अगर इफ इक्वल है अपने ऊपर वाले से तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करे, अदरवाइज वन से स्टार्ट। अब मैं फॉर्मूला समझाता हूं, इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं। अभी हमने क्या दिया, हमने दिया कि अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने ऊपर में प्लस वन कर दे, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर दे। यहाँ पे अमर और नेम आपस में बराबर नहीं, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, फॉल्स आएगा। और किसी ने मुझसे पूछा था कल कि जो फॉर्मूला एवलेट के स्टेप कैसे पता चलेगा, वो आपके फॉर्मूला मेनू बार में एवलेट फॉर्मूला होता है। अब यहां देखिए अमर और नेम दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आ गया, इसलिए बी वन प्लस यहाँ पे वन जो शो कर दिया। बट यहां अगर इसको मैंने नीचे ड्रैग किया तो A2 A3 हो गया और A1 आपका A2 हो गया, तो अमर और अमर आपस में बराबर है इसलिए इसने B2 में प्लस वन कर दिया, और यही कंटिन्यू चलता गया। तो फिर वापस यहाँ अमर और देव दोनों डिफरेंस है तो सीरियल नंबर वन से स्टार्ट कर। इस तरह से हमने हर एक सीरीज सीक्वेंस दिया, इसलिए हमने शॉर्ट किया था ताकि सारे नाम इकट्ठा आ जाए।
बिना शॉर्ट के भी किया जा सकता है, वो काउंट इफ से होगा, वो आगे के फॉर्मूले में आपको हम सिखाएंगे। अगर बात करते हैं कि मुझे 1, 2, 3 नहीं चाहिए, हर किसी को एक यूनिक नेम देना है, इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इस तरह से, तो क्या करेंगे? तो इसी सेम कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे देंगे केस, उल्टा कर देंगे, सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है ऊपर वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू को ही शो करो, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में 1+1 करो। तो यहाँ पे अमर और नेम आपस में बराबर नहीं है, इसने क्या किया, ऊपर 0 है, 0 में +1 कर दिया, बट नीचे जब हमने ड्रैग किया तो यहाँ पे अमर दोनों बराबर है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो 1 है इसने 1 को ही शो कर दिया, इस तरह से आपके सामने। सीक्वेंस नंबर की बात हो रही है तो चलिए कुछ और सीक्वेंस नंबर जनरेट किया जाए, जैसे कि मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर चाहिए, इसे नेम लिखा और भी नेम एड्रेस और भी चीजें लिख सकता हूँ, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, पूजा लिखेंगे, ऐसा जैसे मैं यहाँ पे इंदर लिख दिया, इंदर लिखते ही यहाँ पे एंटर मारते ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए, ऐसे नीचे 3, 4, 5 होना चाहिए। कैसे करेंगे, तो यहां पे हम देंगे कंडीशन कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पे ग्रेटर देन 0 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ब्लैंक सेल, जिस सेल में कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं है, उसको एक्सेल जो है ब्लैंक समझता है, ठीक है। तो अगर ब्लैंक सेल ब्लैंक सेल से नहीं है, मतलब कितना 0 है, मतलब ब्लैंक सेल नहीं है, तो ऊपर वाले सेल में +1 कर दे, अदरवाइज कुछ ना शो करे। तो कुछ ना शो करने के लिए हमने क्या कर दिया, इनवर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कर दिया, तो ब्लैंक सेल करेगा। तो नीचे तक आप इसको ड्रैग करके डाल दीजिए। अब मैं यहां पे जैसे ही नेम लिखा, पूजा, उदय, रीता, ठीक है प्रवीण जी? जी सर, समझ में आया? यस सर, सबको समझ में आ गया? हाँ सर, आगे बढ़े सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंस नंबर की बात हो रही है तो मुझे यहां सीरियल नंबर जनरेट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं टॉप 10 तक ही जाए, मतलब 1 से लेकर 10 तक ही करे। अगर मैं यहां पे 10 से 15 कर दिया तो 15 कर दे, यहां पे 30 कर दिया तो 30 कर दे, जितना मैं यहां टाइप करूं उतना ही सीरियल नंबर यहां जनरेट होना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, यहां से दूंगा फॉर्मूला। क्वेश्चन है, आप पूछिए। जैसे कि मान लीजिए कि सेल B6 में आपने कविता लिखा तो वहां पे 5 दिखा रहा है, और उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे गैप है और सेल इस पे आता हूँ, इस पे आता हूँ। ओके, मैं पता है आपने मेरी वीडियो देखी है। इफ हमने क्या किया कि हमने बोला कि ऊपर वाले वैल्यू में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 15 है तो यहाँ पे बैंक शो कर दे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दे, ठीक है। अब नीचे ड्रैग करूंगा तो डी एफ एफ टू जो है हमारा 6 है, मतलब कि सिंगल सेल है, सब में सेम रहेगा, हमने इसको फ्रीज कर दिया। अब नीचे ड्रैग करते, बट यहाँ पे छोटी सी दिक्कत है कि 15 के बाद एरर आ जाएगा, जैसे आपने 5 दिए तो यहाँ पे एरर आ गया। अब इस बात को समझना है कि यहाँ एरर क्यों आया, अब इसको समझ जाते हैं तो यहाँ भी सलूशन हो सकता है। तो एरर आने के लिए क्या है कि हमने क्या बोला, हमने बोला D9+1, D9 क्या है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक क्या है, इन्वर्टेड कॉमा क्या कैरी करता है, टेक्स्ट कैरी करता है, ब्लैंक से कुछ नहीं टाइप किया है बट ए टेक्स्ट कैटेगरी का है, और टेक्स्ट में हम किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते,
इसलिए यहाँ पे एरर आए, कोई एरर आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का, इफ एरर। अब इस एरर में हम यहाँ पे देंगे दो चीजें कि आप अपना फॉर्मूला डाल दीजिए, अगर फॉर्मूला एरर देता है तो उस एरर के जगह पे वैल्यू के जगह पे ए आपका शो करेगा। इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट नंबर फॉर्मूला डाल देते, बस मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, मतलब कि ब्लैंक कुछ ना लिखे। अब मैं नीचे इसको ड्रैग कर दूंगा तो मेरा एरर शो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे सेवन किया तो सेवन तक आ जाएगा, टेन करूंगा तो टेन तक आ जाएगा। अब मैं यहां पे अगर कर दू के स्टार्ट, मैं चाहता हूं फाइव टू टेन, ये जो वन हमने मैनुअल लिखा है उसके जगह पे फाइव को सिलेक्ट कर दू, आ गया फाइव टू टेन, फिफ्टीन टू ट्वेंटी। अब वापस आते हैं यहां पे कि अगर कविता को छोड़ के यहां पे मान लीजिए ओम लिख दिया तो यहां एरर आएगा। एरर क्यों आया, वही सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऊपर वाली वैल्यू ब्लैंक है इसलिए उसमें प्लस वन नहीं कर पा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा सर, इसका सोल्यूशन आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। तो आप लोग इसका सोल्यूशन ढूंढे और ढूंढने के बाद वो फॉर्मूला मुझे मेल करें। अब आप लोग ये बात की क्वेश्चन है, किसी तरह के प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ पूछा है सर रमीन जी? जी सर, ये जैसे कि मैं एक एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहा था, तो जैसे सीएम के स्क्वायर वो कैसे, मतलब ये सर में अपडेट करेंगे सीएम, मतलब जैसे मान लीजिए कि एरिया स्क्वायर होता है हमारे लेंथ इनटू विड्थ जो भी कुछ है उसका फॉर्मूला, तो उसके बाद फिर मैं देख रहा था कि कोई नंबर के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, तो वो सेम स्क्वायर कैसे अपडेट करेंगे? स्क्वायर के लिए होता है ना उसका पावर का फॉर्मूला नहीं है, 10 स्क्वायर निकाला था 10 पावर 2 कर दीजिए। नहीं नहीं, तो सीएम पे वो स्क्वायर काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो सीएम तो टेक्स्ट है ना यहाँ। तो सर सीएम नहीं कर लिए तो आपको टेक्स्ट को नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ये है कि 10 सीएम कर दिया हुआ है, तो 10 सीएम मत लिखिए, सीएम ए कर दीजिए, हेडिंग कर दीजिए सीएम और यहाँ पे 10 दीजिए। या फिर आपको 10 सीएम लिखना पड़ रहा है तो कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर लीजिए, समझ गए ना, कस्टम फॉर्मेटिंग में आप क्या करेंगे 00 सीएम कर दीजिए। और स्क्वायर, इसको स्क्वायर स्क्वायर लिखना होगा तो अब इसका स्क्वायर करना आपको, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर दिखा देगा आपको। नहीं नहीं सर, जैसे 10 सीएम सीएम स्क्वायर लिखना है वो पूछ रहा हूँ। तो सर 10 सीएम वो टू को ऊपर चाहता है। हाँ तो सुपर स्किप करते हैं ना, वो बताएगा ना कौन सी क्लास में आपको। हाँ। यहाँ सुपर स्किप होता है ना, टू लिखिए टू को सुपर स्किप कर दीजिए। लेकिन वो चीजें फॉर्मूला कैलकुलेशन में थोड़ी होगा सर, वो तो दिखाने के लिए होता है ना सर। कैलकुलेशन करते समय तो आप मल्टीप्लाई अपना कैलकुलेशन प्रोसेस पर डाले ना। हाँ तो वही समझ नहीं आ रहा था कर मेरे को। वो तो आप यहाँ पे वो तो दिखावे दिखाने के लिए होता है सर, यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर आ गया तो स्क्वायर की दिया जाएगा, तो स्क्वायर कैलकुलेशन की ये सीएम वाला जो आप बोल रहे हो कंडीशन, ये कंडीशनल फॉर्मेट का, तो वो तो मेरे को पता था कि सेम करूंगा, लेकिन फिर स्क्वायर कैसे होगा वही मेरे को समझ नहीं आ रहा था। स्क्वायर मतलब केस में ठीक है, या फिर 10 यहाँ डाल दीजिए और दूसरे में सीएम स्क्वायर कर दीजिए और इसके स्क्वायर के लिए सुपर स्क्रिप्ट ले लीजिए ना आपका, हो गया सर। हाँ हाँ हो गया। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर। ओके बाय बाय बाय।